अब मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूँ। ढेर सारे उपाय हैं, बहुत काम आएंगे आपकी ज़िंदगी भर, इन्हें भी लिख लीजिए। घर की खुशहाली के लिए एक नियम बना लीजिए। यदि आपके घर में कलह बहुत रहती है और सब एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं या झगड़ते रहते हैं या साथ बैठे और बैठते झगड़ना शुरू हो जाता है, तो प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणपति भगवान को 108 लड्डुओं का भोग लगाकर फिर लोगों में बांटिए। इसे मोदक कहते हैं, मोदक बांटने में शहद पड़ता है, खांड पड़ती है, ठीक है। इस प्रसाद को घर के सारे लोग ज़रूर ग्रहण करें और बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करें। एक उपाय मैं और बताता हूँ, स्वास्थ्य की कामना के लिए बीमार व्यक्ति को गणपति जी को जनेऊ ज़रूर भेंट करना चाहिए और जनेऊ उनको भेंट करें और उसके बाद फिर स्वयं धारण कर लें। यज्ञोपवीत यदि नहीं भी हुआ है, उपाय के तौर पर फिलहाल जब तक आपका रोग है इसको धारण कर दें, उसके उपरांत आप यज्ञोपवीत भी करा सकते हैं। एक उपाय और, घर की खुशहाली के लिए रोज़ाना शाम को एक घी का दीपक भगवान गणपति जी के सम्मुख ज़रूर लगा दिया कीजिए और वंदना कीजिएगा, और यह दीपक भगवान के बाएं हाथ पे रखिएगा। प्रभु ने चाहा तो लाभ ज़रूर मिलेगा आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। जन्मदिन मनाएंगे, गुरु मंत्र भी देना है, लेकिन वो चार लोग वेट कर रहे हैं, धनु मकर कुंभ और मीन वाले, उनको दिन का हाल बताना है। धनु राशि, आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा, बड़े भाई और मित्रों का सहयोग मिलेगा। सायंकाल के बाद विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एक सावधानी ज़रूर बरत लीजिएगा। सेवकों पर कठोर अनुशासन इस दिन मत कीजिएगा या किसी से ऊटपटांग मत बोलिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक कीजिए और अपने गुरु जी यदि हैं तो मानसिक प्रणाम कीजिए, गणपति जी को प्रणाम कीजिए, काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, कार्य स्थलों पर अधिकारी का सहयोग मिलेगा और स्कूल कॉलेज में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, उन्नति होगी, कार्य सिद्ध होंगे, अच्छा दिन है। सावधानी क्या क्या रखनी है, वृद्ध जन हैं, गुरु हैं, संत हैं, शिक्षक हैं, इनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार कीजिएगा, उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, पीपल के वृक्ष को सींचिए, सब अच्छा होगा।